नेपाल के काठमांडू घाटी के ललितपुर में कॉलरा यानी कि हेजा के बढ़ते मामले देख गोलगप्पे बेचने पर रोक लगा दी गई है। ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी ने दावा किया है कि गोलगप्पे में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में कॉलरा का बैक्टीरिया पाया गया है। गोलगप्पे जितने टेस्टी होते हैं सेहत के लिए उतने ही नुकसानदायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं गोलगप्पे खाने से होने वाली परेशानियों के बारे में। गोलगप्पे खाने से डायरिया, कॉलरा, इंडाइजेशन और पीलिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल गोलगप्पे के पानी में खटाई काफी ज्यादा होती है, जिसे बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सोजेलिक एसिड और आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। साथ ही इसे खाने के बाद कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की भी परेशानी होने लगती है। अब बात कॉलरा की, जिसके चलते नेपाल में गोलगप्पों पर बैन लगा दिया गया है। WHO के मुताबिक कॉलरा एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो खराब खाने और गंदे पानी की वजह से फैलता है। ये डायरिया का सीरियस रूप है। ये बिब्रो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें उल्टी दस्त की प्रॉब्लम होती है और कई बार पानी और पोषण की कमी की वजह से इस बीमारी से जान भी जा सकती है। इस बीमारी में अचानक पेट में गड़बड़ होना, उल्टी, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, धड़कन तेज होना, मुंह, गला और आंखों का सूखना, प्यास ज्यादा लगना, मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होना खास लक्षण है। कॉलरा किसी को भी हो सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साफ पानी ही पिएं और अपने आसपास साफ सफाई का खास ख्याल रखें। अगर परिवार में किसी को कॉलरा की शिकायत है तो उनसे दूरी बनाए रखें।